होता है राज्यपाल से मिलने का, वो मतलब लिखित रूप से दिया जाता है। वो लिखित रूप से दिए हम लोग, ठीक है, आश्वासन दिया गया कि कल हम लोग को मिलने का मौका मिलेगा, मतलब राज्यपाल से। राज्यपाल से हम लोग यही बात रखेंगे, हम लोग वहाँ पे जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे वही बात हम लोग यहाँ पे वही चीज़ रखेंगे कि सीई एग्ज़ाम, जो आर्मी का जो सीई एग्ज़ाम है उसको लिया जाए, ठीक है। 2 साल से रुका हुआ है, कोविड का बहाना दे रहा है भारत सरकार, ठीक है, कि 2 साल से कोविड है, कोविड है, कोविड है, कुछ नहीं है कोविड, ठीक है, सब एक बहाना हो रहा है, एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम हो रहा है, आर्मी का एग्ज़ाम स्थगित कर दिया जा रहा है। अभी टीओडी ला कर बोल दिया गया कि सी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो 2 साल से रुका हुआ है एग्ज़ाम था। मजाक थोड़ी है भैया, 4 साल मेहनत करना है आर्मी में। ये बताइए ना, अभी किनसे मुलाकात हुई, क्या अभी बात है? अभी हम इधर लोग देख कर क्या तो अभी हम लोग सिटी एसपी और एसडीओ एसडीएम जो जो थे लोग सारे कोई आए थे, सबको इसे मिलकर वही साथ में लिखवाए। वो लोग बोले कि उन लोग को भी हम लोग अपना पत्र दिए हैं, वो लोग बोले कि हम लोग गृह मंत्रालय तक भेजेंगे। और हम लोग भी राज्यपाल से मिलकर यही चाहते हैं कि जैसे भारत में विद्रोह हो रहा है चारों तरफ, विद्रोह नहीं हो, मतलब झारखंड के युवा विद्रोह नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक ही बात को रखना चाह रहे हैं। अगर नहीं बात रखा जाएगा तो फिर झारखंड के युवा बिहार में आप देख रहे हैं, करने के लिए आएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। कब आएंगे? क्या बताया गया है अग्निवीर के बारे में? क्या अग्निवीर, क्या भैया 4 बार बता चुके। देखिए बात यहाँ ये है कि अग्निवीर युवा के लिए है ही नहीं, मतलब युवा जैसा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान और चाइना। इस सेना के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सेना रोजगार है कि देश प्रेम है? रोजगार है ना भैया, रोजगार नहीं सॉरी देश प्रेम है ना, तो इसको सरकार रोजगार क्यों ला रहा है? हाँ, बिपिन रावत जो थे पिछले, जो सीडीएस थे, जो जिनका मृत्यु हो गया, वो क्या बोले थे? सेना कहीं रोजगार का ये नहीं है, रोजगार का अब नहीं है कि रोजगार है तो आ जाए, मतलब सेना है, देश प्रेम है। हम लोग को यही होना चाहिए कि बस हम लोग को किससे मतलब नहीं है कि सी एग्ज़ाम जो 2 साल से रुका हुआ है इस बात को कोई मीडिया ला ही नहीं रहा आगे, ठीक है। सी एग्ज़ाम होना चाहिए। नहीं, सभी लोग तो बोल रहे नहीं हैं सर, क्या क्या है ना, क्या प्रोसेस है? वो परीक्षा संपन्न कराई जाए। हाँ, तो ये बात नहीं, ये बात है, छोटा मीडिया पे बात हो रहा है ना भैया, बड़ा मीडिया पे कोई बात ही नहीं हो रहा है। जी मीडिया एक बार भी नहीं बात बोला, ये सब चीज़ कुछ बोला ही नहीं कभी। रक्षा मंत्रालय से ये बात पे कुछ बात ही नहीं आ रहा है, कोई कोई अफसर ना कुछ कुछ बोल ही नहीं रहे इस बारे में सी एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो युवा लोग शहर में पढ़ रहा था, ठीक है, जो युवा लोग शहर में पढ़ रुक जा भाई रुक जा, जो युवा लोग शहर में आर्मी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए गया था, ठीक है, जो कलम उठा के वहाँ रूम में जीएस पढ़ रहा था, मैथ पढ़ रहा था, वो अब भी आंदोलन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो आर्मी साहब, जो चीफ साहब जो बैठे थे कॉन्फ्रेंस में, वो डायरेक्ट बोल दिए कि वो जो आर्मी का एग्ज़ाम है वो पिछली भर्तियाँ रद्द की जाती है। तो सारा लड़का लोग जो रूम में पढ़ रहा था उसी ने कहा आ गया, आंदोलन में उठ गया। कारण क्या है? टीओडी आने। अरे भैया वो टीओडी समझेगा ही नहीं,